केशव जी, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ, किंतु आप भी मेरी मजबूरी समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि मैंने आपकी आर्थिक सहायता की, तो मेरे विरोधी दल मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, जो मेरे परिवार के हित में नहीं होगा। मैं स्वयं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता हूँ केशव जी, किंतु अपने परिवार को जानबूझकर किसी कठिनाई में डालना गलत होगा। हालांकि मुझे इस बात का संज्ञान है कि छत्रपति शिवाजी राजे साहेब ने जो पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी, वो भावना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। हम अपने अपनों का ही लहू बहा रहे हैं, और यदि इसे रोका नहीं गया तो ये वर्तमान आने वाले मराठाओं का काला इतिहास बनकर रह जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए एक शक्ति को संगठित होकर यह सुनियोजित करना होगा कि सभी मराठा एक छत के नीचे आ जाए और आने वाली नौजवान पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन दें। इस तरह के संगठन को तैयार करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी केशव जी। मैं एक साहूकार हूं, धन ऋण पे देना मेरा व्यापार है, किंतु केशव जी, ये शंकर जी जोशी मानव कल्याण के समक्ष किसी भी धन व ऋण की कोई महत्ता नहीं रखता, और ये बात सब जानते हैं। धन क्या है? वो तो हाथ का मैल है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। लेकिन इस समय मेरे परिवार की चिंता ने मेरे हाथ बांध दिए। किंतु मेरी इस बात से इस बात का अर्थ मत निकालिए कि मैं आपकी आर्थिक सहायता नहीं करना चाहता, ना, ऐसा कदाचित नहीं है। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, और मैं आपके सारे साम्राज्य को एक छत में लाने का उद्देश्य भी पूर्ण करना चाहता हूं। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक रास्ता निकालना चाहता हूं, एक बीच का रास्ता। केशव जी, बीच का रास्ता यह है कि आपको एक डकैत दल बनाना होगा, जो रात्रि के तीसरे पहर मेरे यहां डकैती करने आएगा, और मैं तिजोरी में पर्याप्त धन छोड़ूंगा, जिसे आप बिना किसी जान माल के नुकसान के आसानी से ले जा सकते हैं। इससे मेरे विरोधी दल को तनिक भी संदेह नहीं होगा कि मैंने आपकी आर्थिक सहायता की, और आप तक धन सुनिश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। मानव कल्याण के हेतु मेरे सामने यही एक रास्ता है। यदि आप आदेश करें तो मैं तिजोरियों में धन भरवा दूं।